अभी देखो प्रेशर, अब देखो प्रेशर अगर मैं दिखाऊं आपको तो जैसे हम ये ईंट पे चलाते हैं ये वाली, ये ईंट को काट देगी। देखो गड्ढा कर दिया इसके अंदर, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर होता है इसका। देखो तो बहुत तेज़ प्रेशर होता है इसका। तो हम इसको ऐसे यूज़ नहीं करते, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे यूज़ करते हैं। हाँ तो हम करने वाले हैं आज इसके साथ इसकी टेस्टिंग भी हमने। हे गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टैक्स सर्वोदय प्रदेश के अंदर। अब आज हम आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एक्चुअली गाइस क्या है, हमने ना एक हाई प्रेशर वॉशर मंगवाया था जो कि हम अपनी बाइक वगैरह को यूज़ करेंगे, बट हुआ क्या कि हमने वो रेनिंग सीज़न में मंगवाया था, इसकी वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर पाए। हमने उसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी बट हम उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बना पाए। तो गाइज अगर आपको, आपने देखा हो हाई प्रेशर वॉशर कैसा होता है, नहीं देखा है तो हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसा होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। वो एक डिसअसेंबल्ड फॉर्म में आता है, हमको असेंबल करना होता है तब वो यूज़ किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो जो हमारे पास वॉशर है वो है डायलेक्ट का। ये वॉशर मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, ऑनलाइन मंगवाया था, और ये उस टाइम मेरे को पड़ा था 4000 रुपीज़ का। तो चलिए इसको आज यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसे ये यूज़ होता है। देखो इसमें तो देखो इसमें हमें क्या मिलता है, ये एक डिश वॉशर है। इसके अंदर हम शैम्पू वगैरह भर के फॉमिंग बनाने के काम आती है। तो ये कैसे यूज़ होती है हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। ये है हॉस पाइप, ये 5 मीटर का है। ये एक जो हमारी पंप है उसके अंदर लगता है, वॉशर के अंदर, और एक लगता है हमारी गन के अंदर। तो अभी ये कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ये मिलता है हमको पानी इनटेक करने के लिए। इसका भी एक पार्ट जो है वो पंप के अंदर लगता है, और दूसरा पार्ट जो है या तो हम डायरेक्ट टैब में लगा सकते हैं, या अगर हम बकेट यूज़ कर रहे हैं तो हम बकेट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे असेंबल्ड होती है ये अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। पहले इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं ये हम आपको बताते हैं, और ये कैसे कैसे यूज़ होते हैं। ये जो पार्ट है ये भी अलग मिलता है इसके अंदर, ये यूज़ कैसे करते हैं ये ऐसे होता है। इसके कैप मिलती है, इसको लगाने का बहुत आसान तरीका है, ये इसके अंदर ऐसे करके फंसा दीजिए। पहले ये कैप डाल लो जो नट है, उसके बाद इसके अंदर इसको ऐसे करके फंसा दो, और ये इसमें थ्रेड्स बनी हुई है, और इन चूड़ियों जो बनी हुई हैं इस ऐसे उसको टाइट कर दो। ये टाइट करने के बाद ये इसमें से निकल नहीं सकता, तो इस तरह से ये लगता है। बाकी हम आपको बताते हैं और क्या चीज़ मिलती है। ये इसके अंदर ये एक पाइप मिलता है, ये होता है गन के अंदर लगाने के लिए। अगर आप गन की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, उस काम आती है, जैसे कार वगैरह धोने में ये बहुत काम आता है। और जो इसके अंदर मिलता है, एक मिलता है हमको ये वाली कैप, और ये कैप क्या है, ये कैप क्या है, इस वाले पाइप में यूज़ होती है। अगर हम बकेट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये फ़िल्टर यूज़ करना पड़ता है, और अगर हम डायरेक्ट टैप में यूज़ कर रहे हैं तो इसको निकाल देना होता है। इसको इसमें लगाकर और टैप में इसके कस देते हैं, इसके अंदर ये जो क्लैंप है, इस क्लैंप से अगर हम इसको टाइट कर देते हैं तो उसमें से निकलती नहीं है। तो ये दोनों चीज़ देते हैं, तो सारी है हमारे पास एसेसरीज़ के अंदर आती है, तो बहुत बढ़िया है। अभी कैसे यूज़ करनी है ये हम आपको बताते हैं। और जो अब आता है मेन प्रोडक्ट, ये है इसकी पंप, ये है इसकी गन, ये इसकी पंप है डायलेक्ट की। अगर मैं इसको, अगर इसकी स्पेसिफिकेशन बताऊं आपको, तो जो है ये 1400 वाट की है, और इसका जो प्रेशर है वो 120 बार प्रेशर है, जो कि बहुत तेज़ होता है। ये ईंट को भी काट देती है। अभी हम आपको करके दिखाएंगे कि ये कैसे करता है। तो चलिए अब हम इसको असेंबल करते हैं। अभी हम ये यूज़ नहीं करने वाले तो इसको यूज़ नहीं करते। बाकी ये कैसे यूज़ होता है, ये इसकी वायर है। अब हम इसको रखने वाले हैं यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ लगता है, इधर आइए, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से पानी इनटेक होगा। इसको पीछे खींचिए और पुश करना होता सही से, जिससे ये निकले ना। अभी इसमें फंसा नहीं है ढंग से, ये लग गया, ये कट की आवाज़ आती है। और ये वाला पाइप जो है दूसरा सिरा इसका, ये जाएगा बकेट के अंदर।
बहुत अच्छी खासी लंबी वायर आती है इसमें। एक ये भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत लंबी वायर आती है, जिसकी वजह से आपका अगर स्विच दूर भी है तो भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये है इसका हॉज पाइप। अभी हॉज पाइप कैसे यूज़ होता है, ये होता है पानी के आउटलेट के लिए कि पानी, एक जो सिरा है ये जाएगा इसके अंदर और जो दूसरा सिरा है इसके अंदर बटन है इसको बाहर निकालने के लिए, ये ऑन ऑफ का बटन है इसका। ये जो दूसरा सिरा है ये जाता है इसकी गन में। अब इसकी गन कैसी है, ये रही इसकी गन, और ये जो सिरा लगता है यहाँ पर, ये देखो, ये इसके अंदर इसको पुश कर दो, ये लग गया। तो ये हो चुकी है आप पूरी तरह से असेंबल, ठीक है। क्योंकि हम टैप नहीं है हमारे पास तो हम बकेट यूज़ कर रहे हैं, और बकेट यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक जो एक और अटैचमेंट है वो यूज़ नहीं होता। ये लग गया, अब ये स्विच हम लगा, ठीक है, ये स्विच लग चुका है। और मोटर में पावर आई है या नहीं ये यहाँ से ऑन करते हैं। ये मोटर में पावर आ गई है। अब क्या होगा, थोड़ा सा शोर ज़्यादा आती है मशीन में कि ये पहले प्रेशर बनाएगी, और जैसे ही प्रेशर बन जाएगा तो ये कंट्रोल गन के अंदर आ जाएगा, मोटर चलानी है या नहीं चलानी है। ये अब ये जो प्रेशर है ये हमारे गन में आ गया है, जब हम गन चलाएंगे तब ये चलेगी ऐसे। प्रेशर देखो कैसा बनता है, ये प्रेशर इतना तेज है कि अगर हम हाथ लगा दें तो हाथ को काट देगा ये। तो आपने देखा ये कि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, कोई गाड़ी हमारे पास होगी तो ये देखो प्रेशर देख रहे हो आप, प्रेशर देखो। तो आपने प्रेशर देखा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे इससे आपको एक गाड़ी को वॉश करके दिखाएंगे कि गाड़ी कैसे वॉश करती है। बाकी प्रेशर वगैरह हमने इसका देख लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय।